नमस्कार दोस्तों, मैं पीआर बोबड़े, यहाँ कृषि मौसम वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में पदस्थ हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों, आज के समय में मौसम और जलवायु का कितना महत्व है, वो कैसे एग्रीकल्चर के साथ साथ पशु और मनुष्य जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ उपकरण लगे हैं, मौसम वेधशाला यहाँ पे स्थापित की गई है, उसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या उपकरण है और वो कैसे कैसे कार्य करता है और उसका क्या उपयोग है। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसा देख रहे हैं आप, ये इसको वायु दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, ठीक है। ये जमीन की सतह से 10 फीट ऊपर में रहता है और जैसे आप देख रहे हैं इसमें चारों दिशा का नाम लिखा हुआ है। मुख्यतः हमारी चार दिशा होती है, लेकिन हम उसको विभाजित करेंगे तो 16 प्रकार की दिशाएं होती है। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं आप, ये उपकरण लगा है, उसको हम वायु दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। तो ये हमको वायु की दिशा का ज्ञान हमको इस उपकरण के द्वारा मिलता है कि वायु किस दिशा से आ रही है और किस दिशा में जा रही है। तो इस उपकरण के द्वारा हम हवा की दिशा का मतलब पता लगाते हैं और बताते हैं कि हवा किस दिशा से आ रही है। जैसा आप जानते हैं कि मौसम के बारे में, मतलब मौसम में हवा की दिशा है, दिशा जो है वो बहुत मुख्य मतलब बहुत प्रमुख होती है, क्योंकि मानसून सीजन में ये मतलब यहाँ पे बादलों को लेके आती है। तो वो विस्तृत जानकारी है, लेकिन आप मोटा मोटी मैं ये बता देता हूँ कि ये हवा की दिशा को जानने का उपकरण है, इसको वायु दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, एक लकड़ी का बॉक्स बना हुआ है, जमीन की सतह से 4 फीट ऊपर में इसको रखा गया है। इसको सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जैसे वैज्ञानिक ने बताया था उसका नाम बनाया था। तो यहाँ पे एक जालीदार हवा का बॉक्स है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें हवा इधर से अंदर से बाहर जा सकती है। तो इसमें आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इसका ये है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 4 थर्मामीटर लगे हैं, जैसे ये वाला है, इसको हम मैक्सिमम या अधिकतम तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। जो नीचे लगा है इसको न्यूनतम या मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं। ये जो साइड में लगा है इसको ड्राई बल्ब थर्मामीटर या सूखा थर्मामीटर कहते हैं, और जो इधर लगा है इसको हम वेट बल्ब इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको गीला थर्मामीटर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें धागा लगा हुआ है और पानी हमेशा यहाँ पे सप्लाई होता है। तो हम एक एक के बारे में हम बताते हैं। जैसे मैक्सिमम थर्मामीटर है, मतलब दिन में अधिकतम तापमान कितना डिग्री सेल्सियस रहता है, इस थर्मामीटर के द्वारा हमको इससे पता चलता है, ठीक है। और इसमें एक दिन में कितना न्यूनतम तापमान, मतलब कम से कम तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, इस उपकरण के द्वारा हमको पता चलता है। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का पता हमको ये दो उपकरण के द्वारा, ये दो थर्मामीटर के द्वारा पता चलता है। ये जो ड्राई बल्ब है और वेट बल्ब थर्मामीटर है, इन दोनों की रीडिंग से हम कैलकुलेशन करके हवा में कितना प्रतिशत नमी है उसको हम इससे निकालते हैं। एक साइक्रोमेटिक टेबल होता है, वो चार्ट में देख के उसमें कैलकुलेशन होता है, उससे हम हवा में कितने प्रतिशत सुबह में नमी रही, दोपहर में कितना प्रतिशत नमी रही, इससे हमको पता चलता है। तो यहाँ पे हम दो मौसम के तत्व के बारे में यहाँ पे हमको इसमें पता चलता है इन उपकरण के द्वारा। आगे हम चलते हैं, आगे जो उपकरण लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, इसको हम रेन गेज कहते हैं या वर्षा मापी उपकरण हम इसको कहते हैं। इसको साधारण वर्षा मापी उपकरण कहते हैं, इसको किसान भाई अपने यहाँ भी लगा सकते हैं। और ये एक सिंपल तरीके का होता है, जैसे आप देख रहे हैं कुछ जमीन में गड़ा हुआ है और इसको हम इस तरह से लगा हुआ है, चाड़ी नुमा बना हुआ है, देखिए। तो क्या होता है, ये खुला रहता है, जब बारिश होता है, जैसे हम इसको वर्षा मापी उपकरण कहते हैं, जब बारिश होता है तो इस डायमीटर से पानी होते हुए यहाँ अंदर, जैसे देख लीजिए आप भी, इस टाइप से एक ये इसमें पानी कलेक्शन होता है, पानी इकट्ठा होता है, इसमें सारा पानी यहाँ से जाते हुए इस टाइप से ये अंदर रहता है। ये गिरे ना हवा से
और कोई इधर उधर गिरे ना, हमारी रेटिंग सही आए, इसलिए हम इसको जमीन में अंदर इसको गाड़ दिया जाता है। देख लीजिए आप, इस टाइप से इसमें ये रहता है ना, और ये इस टाइप से इसमें पानी गिरता है। तो जितना भी बारिश होती है, जब हमारा ऑब्जर्वेशन का टाइम होता है, तब हम इसको इस पानी को लेते हैं, और हमारे पास एक मेजरिंग ग्लास होता है, उसमें डाल के हम कितना mm बारिश हुआ है एक दिन में या 24 घंटे में, उसका पता हमको इससे लगता है। मतलब इस उपकरण के द्वारा हमको कितने मिलीमीटर बारिश हुआ है, इसका पता हमको इससे चलता है। आगे आइए, इसको हम ओपन पेन इवेपोरेटर इंग्लिश में कहते हैं, या इसको हम वाष्पन मापी उपकरण हम इसको हिंदी में कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है, एक बड़ा सा बर्तन है, इसका डायमीटर 122 सेंटीमीटर होता है, और देखिए इसमें जाली लगा हुआ है, इसमें पत्ता या कुछ प्रकार का अनवांटेड पत्ती वगैरह इसमें ना गिरे, कचरा वगैरह ना गिरे, इसलिए ये जाली लगी हुई है। और इसमें देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ है ये वाला। तो हम जब ऑब्जर्वेशन लेने आते हैं और धूप रहता है, तो कितना पानी इस जमीन की सतह से या इस बर्तन से कितना पानी वाष्प बन के उड़ गया, या कितना पानी की हानि हुई, ये जो कांटे का स्तर है वो नीचे चला जाता है। तो ये जो हमारी बकेट होती है 20 mm, 2 mm की, 20 mm की सॉरी, तो इसमें हम पानी नाप के, यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8। तो कितना पानी हम इसमें डाल रहे हैं, इस कांटे के लेवल तक पानी को कितना ला रहे हैं, तो इससे नाप के हम डालते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि प्रतिदिन कितना मात्रा में पानी यहाँ से वाष्प बन के हुआ, मतलब वाष्पन दर कितने कितना mm पानी यहाँ से वाष्प बन के उड़ रहा है, या कितने mm पानी की हानि हो रही है, इस उपकरण के द्वारा हमको पता चलता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक तो थर्मामीटर लगा है, ये थर्मामीटर लगा है, इससे हम जो इसमें पानी भरा हुआ है, तो उसका हम तापमान देखते हैं कि पानी का तापमान उस टाइम में कितना डिग्री सेल्सियस है। तो ये उपकरण हुआ, इसको हम मिलीमीटर में लेते हैं, एमएम में लेते हैं कि कितना मिलीमीटर पानी का लॉस हुआ। ये जैसे देख रहे हैं आप, ये हम इसको सॉइल थर्मोमीटर कहते हैं, या हम इसको मृदा तापमापी उपकरण भी कह सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 थर्मामीटर लगे हैं अलग अलग डिस्टेंस में। तो यहाँ पे हम अलग अलग गहराई में भूमि का तापमान लेते हैं। जैसे ये पहला थर्मामीटर है, ये भूमि की गहराई में 5 सेंटीमीटर अंदर गड़ा हुआ है। तो ये 5 सेंटीमीटर गहराई का तापमान को बताता है कि 5 सेंटीमीटर गहराई में भूमि का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है। ये जो बीच वाला है, ये 10 सेंटीमीटर गहराई में गड़ा हुआ है अंदर भूमि में, और ये जो लास्ट वाला है, ये 20 सेंटीमीटर भूमि अंदर गहराई में गड़ा हुआ है। मतलब अलग अलग सतह में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गहराई में भूमि का तापमान कितना कितना डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इन थर्मामीटर या इन उपकरण के द्वारा हमको यहाँ पे उसका पता चलता है। तो इस प्रकार से हम भूमि का तापमान को लेते हैं कि भाई भूमि का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है अलग अलग गहराइयों में, ठीक है। तो इसको भी हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। आगे जो उपकरण दिख रहा है, हम इसको इंग्लिश में एनोमोमीटर कहते हैं, या वायु गति सूचक यंत्र कहते हैं इसको हम। ये भी जमीन की सतह से 10 फीट ऊपर में हम इसको रखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ऊपर में 3 कप लगे हुए हैं और धीरे धीरे घूम रहा है, तो ये वायु की गति को बताता है। जैसे उसमें आप थोड़ा जूम करेंगे तो उसमें एक मीटर लगा हुआ है, जैसे हमारी मोटरसाइकिल में जो मीटर रहता है, उस प्रकार का थोड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें वो मीटर लगा होता है। तो ये जो कब जितने स्पीड से घूमेगा, जितनी गति से ये हवा चलेगी, यहाँ पे रीडिंग बढ़ते जाएगी। इसका मतलब कि ये हवा की गति को हमको बताता है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है।
तो इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम इसमें लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा एक एवरेज रीडिंग यहाँ पे मिलती है हमको कि 24 घंटे में कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। तो हवा विंड स्पीड को हम इसमें नापते हैं। आगे जो उपकरण है इसको हम सनशाइन रिकॉर्डर कहते हैं। चलिए ना ऊपर आ जाइए। इस उपकरण को हम सनशाइन रिकॉर्डर कहते हैं। ये भी जमीन की सतह से 10 फीट ऊपर में, या तो फिर जिसके पास इस टाइप का साधन नहीं है तो अपने बिल्डिंग पे भी कुछ संस्थाएं बिल्डिंग पे भी लगाती हैं इसको। तो ये जैसे देख रहे हैं आप, एक कांच का गोला बना हुआ है। इसको हम यहाँ के लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है अक्षांश और देशांश के को कैलकुलेशन करके इसको यहाँ पे हम फिट करते हैं, ताकि जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसका एक प्रतिबिंब बने, सूर्य के प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, इसके अपोजिट साइड में विपरीत दिशा में यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनता है। और ये जो कार्ड लगा हुआ है जैसे देख रहे हैं आप ब्लू कलर का, इसमें टाइम लिखा हुआ है सुबह 5 बजे से इधर शाम के 6 बजे तक, पूरा टाइम लिखा हुआ है, एक एक लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कार्ड जो होता है सूर्य की तीव्रता के कारण ये जलने लगता है, और हम इसको सूर्य निकलने से पहले इसमें इस कार्ड को यहाँ पे लगाते हैं। और इसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग कार्ड का उपयोग यहाँ पे हम करते हैं। एक लॉन्ग कर्व कार्ड या समर कार्ड हम उसको कहते हैं, वो गर्मी के टाइम में हम उसको लगाते हैं। एक स्ट्रेट कार्ड होता है जो बराबर होता है, जब दिन और रात बराबर होती है तब हम उस कार्ड को लगाते हैं। ये जो अभी लगा है, अभी विंटर का टाइम है, जनवरी का महीना है, तो हम यहाँ पे विंटर कार्ड या शॉर्ट कर्व कार्ड इसमें लगाए हुए हैं, क्योंकि अभी क्या है, दिन जो होता है वो छोटा है और रात बड़ी होती है, हम तो इसको शॉर्ट कर्व कार्ड को यहाँ पे लगाए हैं। तो इसका आशय ये है बताने का कि इसमें जो होता है, इस कार्ड को फिर हम निकाल लेते हैं और जितने लाइन तक ये जलता है या जितना ये जलता है उसको हम गिन लेते हैं और टोटल कर लेते हैं कि भाई एक दिन में कितना घंटा सूर्य प्रकाश रहा है। तो सूर्य प्रकाश की तीव्रता या सूर्य प्रकाश की अवधि को इसमें हम नापते हैं कि हमारी पृथ्वी पे सूर्य प्रकाश अवधि कितने घंटा रही, इससे हमको यहाँ पे इस उपकरण के द्वारा पता चलता है। तो एक दिन में कितना घंटा सूर्य प्रकाश हमारे यहाँ रहा, इसका पता सनशाइन रिकॉर्डर से हम इसको लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।